हेलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इंग्लिश क्लास इन आवर चैनल ज्ञान की शक्ति टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द सेकंड हाफ ऑफ दिस लेसन वी आर नॉट आफ टू डाई आधा भाग सेवस ऑल तक आपको पढ़ाया जा चुका है आज मैं सेकंड हाफ इसका पढ़ा रहा हूं देखते जाइए बाई मॉर्निंग ऑन जनवरी थ्री तीन जनवरी की सुबह तक द पंप्स हैड द वॉटर लेवल sufficiently under control for us the pumps had the water level pumps ke dwara water level sufficiently priyapt roop se under control नियंत्रित कर लिया गया था for us हमारे लिए to take टू आवर्स rest in rotation. और हम रोटेशन में अर्थात एक एक करके दो दो घंटे का रेस्ट ले रहे थे बट लेकिन वी स्टिल हैड ए ट्रीमेंडस लीक अब भी एक बहुत बड़ी लीकेज थी संभेयर कहीं बिलो द वाटर लाइन वाटर लाइन के नीचे एंड ऑन चेकिंग और चेकिंग करने पर आई फाउंड मैंने पाया दैट नियरली ऑल द बोट्स की लगभग बोट्स की सभी मेन रिब फ्रेम्स जो मुख्य रिब फ्रेम्स थी वर समेस्ट डाउन डाउन टूट गई थी वे टूट गई थी टू द कील कील तक कील तक वे टूट गई थी कील जो कि की जहाज का निचला हिस्सा होता है बोटम पार्ट होता है उसे कील कहते हैं वहां तक वे टूट गई थी इनफैक्ट वास्तव में देर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अब कुछ भी रोकने के लिए शेष नहीं बचा था होल्ड करने के लिए उसमें शेष नहीं बचा था ए होल सेक्शन ऑफ द स्टार बोर्ड स्टार बोर्ड के पूरे सेक्शन को होल्ड करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था एक्सेप्ट ए फ्यू क बोर्ड पार्टीशन सिवाय अलमारी के कुछ पार्टीशन थे जिनके द्वारा वो टिका हुआ था वी हैड सर्वाइव्ड फॉर फिफ्टीन आवर्स हम पंद्रह घंटे तक हमने अपने आप को सर्वाइव रखा था जिंदा रखा था सिंस द वैब हिट जब से उस लहर के द्वारा हमें हिट किया गया था बट वे वो लेकिन वे वो वुड नोट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ अब वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था अस हमारे लिए टू रिच ऑस्ट्रेलिया जिससे कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकें यानी ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए अब ये वे हमारे लिए इतना मजबूत या इतना होल्ड करने वाला नहीं रहा था आई चेक्ट आवर चार्ट्स मैंने अपने सभी चार्ट्स चेक किए एंड कैलकुलेटेड और कैलकुलेट किया दैट देर वर टू स्मॉल आइलैंड्स ए फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स टू द ईस्ट की पूर्व की ओर कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर दो छोटे छोटे आइलैंड थे द्वीप थे वन ऑफ डैम उनमें से एक आइल एमस्टरडम एमस्टरडम था वाज ए फ्रेंच साइंटिस्ट साइंटिफिक बेस जो कि फ्रांस का एक वैज्ञानिक केंद्र था आवर ओनली होप वाज केवल हमारे पास इकलौती आशा बची थी टू रीच कि हम वहां पहुंच जाएं दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन उस विशाल महासागर में पिन प्रिक्स एक सुई की जो सुई का छेद होता है प्रिक्स छेद होते हैं पिन सुई सुई के छेद जितने इतने बड़े विशाल महासागर में केवल पिन प्रिक्स सुई के छेद जितने ये दो आइलैंड थे हमारी बस केवल एक होप थी कि हम वहां पहुंच जाएं। बट अनलेस द विंड एंड सी एबेटेड लेकिन जब तक हवा रुक नहीं जाती एंड सीज अबेटेड और समुद्र शांत ना हो जाए सो वी कूड सेल तब तक हम अपनी सेल अपनी पाल नहीं डाल सकते थे आवर चांसेस वुड बी लिमिटेड वास्तव में हमारे बचने का चांस या बचने के चांसेस बहुत ही कम थे द ग्रेट वेव हैड पुट आवर इस ग्रेट वेव के द्वारा खत्म कर दिया गया था प्रभावित कर दिया गया था आवर एगजूलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन हमारा जो सहायक इंजन था उसे आउट ऑफ एक्शन कर दिया था लहर के द्वारा उसे आउट ऑफ एक्शन कर दिया था अर्थात हमारे सहायक इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया था ऑन जनवरी 4, जनवरी 4, चार जनवरी को आफ्टर थर्टी सिक्स आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग छत्तीस घंटे तक लगातार पंपिंग करने के बाद वी रिस्ट द लास्ट फीव सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर अंत में हम केवल कुछ ही सेंटीमीटर पानी पर पहुंच गए थे अर्थात जहाज में कुछ ही सेंटीमीटर पानी अंत में बचा था नव वी हैड ओनली टू कीप अब हमें अपनी गति को जारी रखना था या इस गति से हमें काम करना था विद द वाटर स्टिल कमिंग इन क्योंकि पानी अब भी अंदर आ रहा था इसलिए हमें अपनी पेस, अपनी गति रखनी थी कि जो पानी अंदर आता रहेगा हम उसे बाहर निकालेंगे वी कुड नोट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट हम मेन मास्ट पर मेन मस्तूल पर किसी भी प्रकार कोई पाल नहीं डाल सकते थे अर्थात अब यात्रा आगे अभी नहीं कर सकते थे प्रेशर ऑन रिगिंग रिगिंग साजो सामान को कहते हैं प्रेशर ऑन रिगिंग साजो सामान पर बहुत ही अधिक दबाव था उड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट अर्थात डैमेज सेक्शन को कभी भी मेन सेक्शन से अलग किया जा सकता था सो वी होस्टेड द स्टोर्म जिप इसलिए हमने स्टोर्म इस जिप पहले ही बताया जा चुका है समुद्र में स्टोर्म को तूफान तो को शांत करने के लिए जीप लगाई जाती हैं। वो कहता है कि हमने इस टॉम जिब को खोल दिया था एंड हैडेड फॉर और हम आगे बढ़ने लगे वेयर आई थॉट जहां मैंने सोचा था द टू आईलैंड वर कि दो आइलैंड थे उस दिशा में हम आगे बढ़ने लगे मैरी फाउंड सम कोर्ड बीफ एंड करेकर बिस्कुट्स मैरी को कुछ कोर्न बीफ गाय का मांस मांस के टुकड़े बीफ कहते हैं उसको वो मिल गए एंड करेकर बिस्कुट्स और कुछ बिस्कुट मिल गए एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट टू डेज और लगभग दो दिन में हमने ये अपना पहला भोजन किया था मील किया था बट अवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड रेस्पाइट आराम लेकिन हमारा ये आराम बहुत थोड़े समय के लिए था एट फोर पीएम चार बजे ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप दोबारा फिर काले बादल बिल्डिंग बनने लगे अस हमारे पीछे हमारे पीछे ठीक चार बजे काले बादल बनने शुरू हो गए विद इन द आवर द विंड बस बैक टू फोर्टी नोट और उस समय हवा भी चालीस नोट की स्पीड से बह रही थी एंड द सीज वर गेटिंग हाइयर और समुद्र ऊंचा होता जा रहा था अर्थात समुद्र में लहरें बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी द वेदर कंटिन्यूड मौसम लगातार टू डेट्रोट डेट्रोट खराब होना थ्रूट द नाइट पूरी रात मौसम और भी अधिक खराब हो गया था एंड बाई डॉन और सुबह तक ऑन जनवरी फाइव पांच जनवरी की सुबह तक आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट हमारी सिचुएशन और भी अधिक डेस्परेट हो गई थी खराब हो गई थी वेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन जब मैं आराम के लिए बच्चों के पास या बच्चों को कम्फर्ट देने के लिए उनके पास गया जोन आस्ट जोन ने कहा डैडी आर वी गोइंग टू डाई डैडी क्या हम मरने ही वाले हैं आई ट्राई टू एश्योर हिम मैंने उसे विश्वास दिलाया दैट वी कुड मेक इट कि हम इस परिस्थिति को अच्छे से संभाल लेंगे बट डैडी लेकिन डैडी ही ऑन उसने आगे बात कही वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग हम मरने से नहीं डरते हैं इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर यदि हम सब एक साथ हैं यू आप एंड मम्मी मम्मी सु एंड आई सु मेरी बेटी एंड आई अर्थात मेरा बेटा यदि हम सब साथ हैं अर्थात उसने मेरा मनोबल बढ़ाया वो उसने इस समय बहुत ही बहादुरी दिखाई आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विश टू रेस्पोंड मेरे पास उसको रेस्पोंड करने के लिए कुछ कहने के लिए कोई शब्द नहीं था बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन मैंने बच्चों के केबिन को छोड़ दिया डेटर माइंड टू फाइट और मैंने इस दृढ़ संकल्प के साथ बच्चों के केबिन को छोड़ा टू फाइट द सी कि मैं समुद्र से लड़ूंगा विद एवरीथिंग आई हैड मैं वो सब कुछ साहस पूरी शक्ति लगा दूंगा जो भी आई हैड मेरे पास थी टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार बोर्ड साइड पहले बताया जा चुका है स्टार बोर्ड साइड जो कि जहाज का राइट हैंड पोर्शन होता है जो खराब हो चुका था कमजोर हो चुका था वो कहता है कि स्टार साइड जो कि बहुत कमजोर हो गया था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको बचाने के लिए आई डिसाइड इट मैंने ये तय किया टू हैव ही वर्ड होता है बांधना टू विद द अनडेमेज पार्ट हल फेसिंग द ओन कमिंग वैब्स अर्थात वो कहता है कि मैंने ये तय कर लिया था कि मैं उस भाग को जहाज के जो डैमेज पार्ट था डैमेज पार्ट को अनडैमेज पार्ट से बांध द फिंग कमिंग वैब्स जो कि आने वाली वेव्स लहरों का सामना कर रहा था उस अनडैमेज्ड जिसकी क्षति नहीं हुई थी उस क्षति वाले पार्ट को उससे बांध दूं यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सी एंकर एंकर लंगर को कहते हैं ऑफ हैवी नाइलॉन 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 होती है रोप रस्सा नाइलॉन के रस्से एंड टू टू ट्वेंटी लीटर प्लास्टिक बैरल पैरल जो कि बैरल होते हैं जिनमें जैसे कि ऑयल भरा जाता है तेल भरा जाता है ऑफ पैराफिन पैराफिन के प्लास्टिक के मैंने 22 बैरल लिए नाइलोन की मजबूत रस्सियां ली और मैंने उस आ, कमजोर भाग को उससे बहुत टाइटली बांध दिया और एक लंगर बनाया दैट इवनिंग उसी शाम को मैरी एंड आई सेट टुगेदर मैरी और मैं दोनों साथ बैठे थे होल्डिंग हैंड्स एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए एज द मोशन ऑफ द सी जहाज की जो मोशन थी ब्राउट मोर एंड मोर वाटर वो बहुत अधिक और उससे भी अधिक पानी अंदर आ, ला रही थी इन थ्रू द ब्रोकन प्लांक्स प्लांक्स कहते हैं लकड़ी के तख्ते लकड़ी के तख्ते जो टूट चुके थे उनसे पानी अंदर आ रहा था वी बोथ फेल्ट हम दोनों ने महसूस किया दैट द एंड वॉज वेरी नियर हम दोनों ने ये महसूस किया ये सोच लिया की अब हमारा अंत बहुत नजदीक था बट वेब वॉकर रोड आउट द स्टोर लेकिन हमारा वेब वॉकर हमारी जो बोर्ड थी रोड आउट द स्टोर उसने उस तूफान को पार कर लिया था एंड बाई द मॉर्निंग ऑफ जनवरी सिक्स और 6 जनवरी की सुबह तक विद द विंड ईजिंग और हवा भी बहुत कम हो गई थी आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट और मैंने सेक्सटेंट को पढ़ने की कोशिश की अर्थात सेक्सटेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे जो व्यक्ति जहाज से यात्रा करते हैं जलयान से यात्रा करते हैं सेक्स्टेंट से वो ये पता लगा लेते हैं कि वो इस समय कहाँ हैं और किस दिशा में हैं और आगे आ, कितनी दूरी है जहाँ उन्हें पहुँचना है इन सब चीज़ों का ज्ञान होता है सेक्सटेंट से बैक इन द चार्ट रूम और उसके बाद मैंने सारे चार्ट रूम पढ़े आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स तब मैंने हवाओं की गति के बारे में पढ़ार धार्थ वर्क किया उन पर चेंजिज ऑफ कोर्स हर बदलाव के बारे में ज्ञान प्राप्त किया ड्रिफ्ट एंड करंट बहाव और धाराओं के बारे में इन एंड एफर्ट एक प्रयास किया टू कैलकुलेट आवर पोजिशन और अपनी पोजिशन को कैलकुलेट किया कि इस समय हम कहा थे द बेस्ट आई कुड डेटरमाइन जितना भी अच्छा मैं कर सकता था एक दृढ़ संकल्प के साथ वॉज दैट वी वर समेयर इन वन फिफ्टी थाउजेंड किलोमीटर्स अर्थात मुझे ये मालूम हुआ कि इस समय हम ओशियन के एक सौ एक लाख पचास किलोमीटर दूर थे लुकिंग फॉर ए सिक्सटी फाइव किलोमीटर वाइड आइलैंड और हमें उस 65 किलोमीटर जो वाइड आइलैंड था उसकी तलाश थी वाइल्ड आई वॉज थिंकिंग जब मैं ये सोच रहा था सु अर्थात मेरी बेटी मूविंग पेनफुल्ली बहुत ही दर्द के साथ दुख के साथ मेरे पास आई ज्वाइन मी मेरे पास सम्मिलित हुई अर्थात मेरे से आकर मिली द लेफ्ट साइड ऑफ हर हैड वाज़ नाउ वेरी स्वूलन। उसके सिर की लेफ्ट साइड अब बहुत अधिक सूजी हुई थी अर्थात उसमें बहुत अधिक सूजन आ गई थी एंड हर ब्लैक एंड आइस नैरोड टू स्लिट्स और उसकी काली आंखें बहुत छोटी छोटी हो गई थी यानी सूजने से आंखें बहुत छोटी दिखाई दे रही थी सी गेव मी ए कार्ड उसने मुझे कार्ड दिया सी हैड मेड जो उसने बनाया था ऑन द फ्रंट सामने सी हैड ड्रान कैरिकेचर्स उसने कुछ कार्टून बनाए थे ऑफ मैरी अपनी माँ मैरी के एंड मी और मेरे विद द वर्ड्स इन शब्दों के साथ हेयर आर सम फनी पीपल यहाँ कुछ मजाकिया लोग हैं डिड दे मेक यू लाव क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया आई laughed ए लॉट एज वेल मैं हंसने लगा इनसाइड वाज ए मैसेज उस कार्ड के अंदर एक संदेश था ओह oh, अरे हाउ आई लव यू बॉथ मैं आप दोनों को बहुत प्यार करती हूं सो दिस कार्ड इज टू से थैंक इसलिए इस कार्ड का से थैंक करना था यू एंड लेटस होप फॉर द बेस्ट और आगे के लिए कुछ अच्छी होप रखें समहाउ वी हैड टू मेक इट समहाउ कुछ भी हो वी हैड टू मेक इट हमें अपने आप को बचाना है अपनी बेटी के इन शब्दों को इस मैसेज को पढ़ने के बाद मुझे और मेरे अंदर एक मनोबल बढ़ा और मैंने ये पाया कि उसने भी अपने भाई की तरह बहादुरी दिखाई थी आई चेक्ट एंड री चेक्ट माई कैलकुलेशन मैंने अपनी कैलकुलेशन को चेक किया पुणे चेक किया वी हैड लॉस्ड आवर मेन कम्पास हमने अपने मेन कम्पास को खो दिया था एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें पूरी सूचनाएं देता है हम कहाँ हैं और कहाँ पहुँचने वाले हैं किस दिशा में जा रहे हैं अर्थात उससे भी हमारा संबंध खत्म हो गया था उसको भी हमने खो दिया था वो भी हमें कोई सूचना नहीं दे रहा था एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर तब हमारे पास एक स्पेयर कंपास uh, था मैंने उसका प्रयोग किया विच हैड नॉट बीन करेक्टेड जो कि ठीक नहीं किया गया था फॉर मैग्नेटिंग वेरिएशन क्योंकि उसमें कुछ चुंबकीय बदलाव हो गए थे आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न करंट्स वेस्टर्न करंट्स के बारे वेस्टर्न करंट्स का क्या प्रभाव होता है या क्या प्रभाव पड़ेगा इसका एस्टिमेट मैंने कुछ दूसरे तथ्यों से लगाया विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन इंडियन ओशियन के इस भाग से जो लहरें बहती हैं उनके बारे में मैंने अनुमान लगाया अबाउट टू पी एम लगभग दो बजे आई वेंट ऑन डैक मैं डैक पर गया एंड आस्क लैरी और मैंने लैरी से कहा टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 एट्टी फाइव डिग्रीज कि तुम किस दिशा में चलोगे अब अर्थात मैंने उसे कहा कि अब आप 185 एट्टी फाइव डिग्री में जाएंगे अर्थात अपने स्टीयर को अपनी यात्रा को 185 एट्टी फाइव डिग्री पर शुरू करें इफ वी आर लकी यदि हम लकी रहे आई टोल्ड ही मैंने उसे बताया विद ए कन्विक्शन कन्विक्शन एक दर्द निश्चय के साथ एक विश्वास के साथ आई डिड नॉट फील जबकि मुझे भी महसूस नहीं हो रहा था अर्थात विश्वास नहीं हो रहा था ही कुड एक्सेप्ट टू सी द आईलैंड एट अबाउट फाइव पी एम यदि सब कुछ अच्छा रहा हम लकी रहे तो निश्चित रूप से पांच बजे तक हमें आइलैंड दिखाई देगा बस केवल इस होप के साथ मैंने उसे कहा कि आप वन एटी फाइव डिग्री पर यात्रा शुरू करें देन विद ए हैवी हर्ट तब एक भारी दिल से वेंट बिलो मैं नीचे गया क्लाइंड ऑन माई बंक और मैं अपने बंक पर चढ़ गया एंड अमेजिंगली और बहुत ही हैरानी की बात है डोज ऑफ मुझे नींद आ गई वैन आई वॉक जब मैं जगा it was विक्स p.m. छः बजे थे एंड ग्रोविंग डार्क और बहुत अंधेरा हो गया था आई न्यू मैं समझ गया था वी मस्ट हैव मिस द आईलैंड कि हमने आईलैंड को मिस कर दिया है अर्थात हम उससे बहुत आगे निकल गए हैं एंड with द सेल वी हैड लेफ्ट और हमारे पास जो सेल बची थी जो पाल बची थी वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्न इन टू द वेस्टर्नली विंड्स इन विंड्स में पीछे कोई भी होप नहीं थी कि हम यात्रा कर सकते थे या जा सकते थे एट दैट मोमेंट उसी पल ए टाउस लेड हैट एक ऐसा सिर जिसके बाल उलझे हुए थे टाउस लैट उलझे हुए थे एक ऐसा सिर जिसके बाल उलझे हुए थे एपियर्ड बाई माई बंक मुझे मेरे बंक पर दिखाई दिया कैन आई हैव ए हग क्या मैं आपको गले लगा सकता हूं जोनाथन आस्ट जोनाथन जो मेरा बेटा था उसने कहा सू वॉज राइट बिहाइंड मी सु मेरी बेटी जो कि ठीक मेरे पीछे थी वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ आई यास्ट मैंने पूछा तुम अब गले लगाने की बात क्यों कर रहे हो बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड उन्होंने कहा एंड द बेस्ट कैप्टन माई सन रिप्लाइड मेरे बेटे ने उत्तर दिया बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी क्योंकि तुम सबसे अच्छे डैडी हो इन द होल वर्ल्ड पूरी दुनिया में एंड द बेस्ट कैप्टन और सबसे अच्छे कैप्टन हो नॉट टूडे जॉन आई एम आफ्रेड मैंने कहा नॉट टूडे आज नहीं आज नहीं जॉन आई एम आफ्रेड आज मुझे दुख है मैं कुछ नहीं कर सका भाई क्यों यू मस्ट बी आप पक्का हो आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हो सैड सू, इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस सु ने मेरी बेटी ने एक सच्ची और सटीक आवाज में कहा यू फाउंड द आईलैंड आपने आईलैंड पा लिया है खोज लिया है वाट मैंने कहा आई साउट मैं जोर से चिल्लाया वॉट क्या इट इज आउट देअर इन फ्रंट ऑफ अस दे कोरस्ट कोरस्ट का मतलब दोनों ने अर्थात मेरी बेटी ने और बेटी ने दोनों ने मिलकर जोर से कहा इट इज आउट देयर इन फ्रंट अस हाँ ये ठीक हमारे सामने है एज बिग एज ए बैटल शिप इतना बड़ा जितना कि एक बैटल शिप आई रस्ट ऑन डेक मैं दौड़कर जहाज के डेक पर गया एंड गेजड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आई एमस्टरडम और मैंने आइल एमस्टरडम द्वीप के किनारे को अपनी आंखों से एक रिलीफ के साथ गेज्ड मैंने देखा इट वॉज ओनली ए ब्लिक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक यह एक जवालामुखी पत्थर का उजड़ा हुआ टुकड़ा था विद लिटिल वेजिटेशन जिस पर बहुत ही कम वनस्पति थी द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड और ये दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड था वी एंकर ऑफ सोर फॉर द नाइट एंकर लंगर लगा दिया अर्थात यात्रा को रोक दिया हमने रात्रि में समुद्र उसी तट पर अपना लंगर लगा दिया एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग और अगली सुबह ऑल ट्वेंटी एट इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड उस आइलैंड में उस द्वीप में रहने वाले 28 निवासी थे चिअड उन्होंने हमारा स्वागत किया प्रसन्नता जाहिर की एज दे हेल्प एसोर और हमें तट तक पहुंचाने में हमारी मदद की विद लैंड अंडर माय फिट अगेन जब मैंने अपने पाओ के नीचे दोबारा लैंड को देखा लैंड को देखा माय थॉट्स वर फुल विद लैंड अंडर माय फिट अगेन जब मैंने अपने पैरों के नीचे दोबारा लैंड को देखा भूमि को देखा या भूमि को पाया माय थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी तो मैं विचार करने लगा लैरी के बारे में एंड हर्ब और हर्ब के बारे में चीयरफुल जो हमेशा पूरी यात्रा में खुश रहे एंड ऑप्टिमिस्टिक आशावादी रहे अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस भारी तनाव के बीच में भी कभी वो निराशावादी ना बने एंड ऑफ मैरी तब मैंने अपनी पत्नी मैरी के बारे में सोचा हु एट द व्हील जिसने की इस, जिसने की व्हील को अर्थात स्टेरिंग को उस समय संभाला ऑल दोज क्रूसियल आवर्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण समय था उस महत्वपूर्ण समय में उसने उस व्हील को संभाला था मोस्ट ऑफ ऑल और सबसे अधिक आई थॉट ऑफ ए सेवन ईयर ओल्ड गर्ल मैंने अपनी सात वर्षीय बेटी सु के बारे में सोचा हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए हैड इंजुरी जिसकी हेड में इंजुरी थी लेकिन उसने मुझे परेशान नहीं किया अर्थात छिपाई रखी विच सब्सिक्वेंटली जबकि वास्तव में उसके बाद मेरी बेटी सूजाने के छह ऑपरेशन हुए थे टू रिमूव ए रेकरिंग ब्लड उस जमे हुए ब्लड के क्लोट को हटाने के लिए बिटवीन स्किन एंड स्कल जो कि स्किन और स्कल के बीच में बन गए थे एंड ऑफ ए सिक्स ईयर ओल्ड बॉय और तब मैंने अपने छ वर्षीय बेटे जोनाथन के बारे में सोचा हु वॉज नॉट आफ रेड टू डाई जो कि मरने से बिल्कुल नहीं डरा था और इसी के साथ ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाता है नेक्स्ट मैं इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ाऊंगा इसको कंप्लीट देख लीजिएगा पढ़िए